टू मैथ क्लास एनएल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, डिवाइडिंग डेसिमल बाय वन डिजिट होल नंबर। हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, हमने इसको डिवाइड करवाना है वन डिजिट नंबर से, और ये हमारे पास होल नंबर है। ओके, वन डिजिट होल नंबर है तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे इसके साथ। तो क्या करेंगे हम, अगर एट वन टाइम एट ले लें तो यहाँ पर एट वन और यहाँ पर एट लिख लें, तो एट वन टाइम एट यहाँ पर लिख सकते हैं नाइन के नीचे। यस, नाइन जो है बड़ा है, एट छोटा है, तो हम इसके नीचे इसके इक्वल या इसे छोटा लिख सकते हैं, इसे बड़ा नहीं लिख सकते। ओके, तो हम एट वन टाइम यस हम ले लेंगे एट यहाँ पर। अब हम करवा देंगे माइनस। अब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। माइनस करवाएंगे नाइन में से एट तो वन आ जाएगा, और यहाँ पे सिक्स को आप उतार लें नीचे, सिक्स को हम उतार लेंगे यहाँ पर नीचे, तो एट के टेबल में सिक्सटीन आता है, या सिक्सटीन से छोटा तो यस आता है। सिक्सटीन कितने टाइम्स आता है, टू टाइम्स, एट टू टाइम्स क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे सिक्सटीन। अब माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ज़ीरो आता है। आपने लिखना है तो आप लिख लें, अदरवाइज आप देख लें, लिख लेते हैं। ओके, फिर ये करें कि माइनस करवाया तो ज़ीरो आ गया। अब ये ज़ीरो हमने उतार लेना है नीचे यहाँ पर, तो जब ये ज़ीरो उतार लेंगे हम यहाँ पे नीचे, तो फिर क्या करेंगे, फिर एट को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाता है हमारे पास, तो एट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा दें तो ज़ीरो आ जाता है। ये ज़ीरो लगाना है तो लगा लें, अदरवाइज़ ये ज़ीरो तो आएगा ही ऊपर से, ठीक है। अगर ये ज़ीरो जस्ट लगा रहे हैं ऊपर से आ रहा है, और फिर आपके पास एट ज़ीरो टाइम मल्टीप्लाई करवा के ये ज़ीरो पे आ गया। ओके, तो अब इनको माइनस करवाएं तो ज़ीरो ही आता है, तो लगाना है तो लगा लें, अदरवाइज़ ये हो जाएगा हमारे पास कि ये जो थ्री है, अब हम इसको उतार लेते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर जब नीचे उतार रहे हैं हम थ्री को, तो थ्री से पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट जहाँ पर डिवाइडेंड में होता है ना, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो क्वेश्चन में भी सेम उसी ऊपर आ जाता है जहाँ पर यहाँ पर है, जैसे इसके ऊपर आ जाएगा, समझ आया। अब हमने उतार लिया थ्री नीचे। अब थ्री के साथ अगर हम ऐसा करें कि एट यहाँ पर वन टाइम एट ले लें तो ले सकते हैं, नो क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज थ्री छोटा है एट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एट वन टाइम भी हम एट नहीं ले सकते, तो फिर हम यहाँ पे खुद से एक ज़ीरो लगाएंगे। जब खुद से यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, ओके, वो मैं पेंसिल से लगा लेती हूँ, आप उससे भी लगा सकते हैं जिससे मर्जी। अच्छा, ज़ीरो यहाँ पे जब खुद से लगाया तो वो ज़ीरो हम उतार लेंगे यहाँ पे नीचे। ओके, तो जब हमने यहाँ पर ज़ीरो लगाया तो यहाँ भी ज़ीरो एक चला गया। ओके, और यहाँ पे ये ज़ीरो हमने एरो लगा के नीचे उतार लिया। अब एट के टेबल में थर्टी से छोटा या थर्टी के इक्वल क्या आता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एट के टेबल में आता है हमारे पास एट वन, एट थ्री टाइम्स ट्वेंटी फोर होता है, एट फोर टाइम्स थर्टी टू होता है। तो अगर एट फोर टाइम्स लेते हैं तो थर्टी टू वो थर्टी से बड़ा आ जाएगा, तो एट थ्री टाइम्स ही सही है, वो आता है ट्वेंटी फोर। तो ओके है, एट थ्री टाइम्स ट्वेंटी फोर आ गया। माइनस करवाएंगे, माइनस करवाने पे हमारे पास देखते हैं क्या आता है, ज़ीरो में से फोर माइनस नहीं होता, बोरो लें यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब बोरो लेंगे यहाँ पे यहाँ तो ये टेन बन जाएगा, टेन में से फोर को माइनस करवा दें तो हमारे पास सिक्स आ गया, और यहाँ पर से बोरो लिया था तो यहाँ पर टू रह गया, टू में से टू को माइनस करें तो ज़ीरो लगाना है, तो ठीक है अदरवाइज़ आप रहने दें। अब आपने क्या करना है कि जब तक आपके पास कंप्लीट ज़ीरो नहीं आ जाता लास्ट पे, तो आपने सॉल्व कर लेना है। फिर आप क्या करें, एक और ज़ीरो लगा लें यहाँ पर। ओके, जब एक ज़ीरो और लगाएंगे वही आप उतार लेंगे यहाँ पे नीचे, ये एरो सॉरी इतना स्ट्रेट नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया नीचे। अब एट के टेबल में एट एट टाइम्स सिक्सटी फोर होता है, बड़ा आ जाएगा। एट सेवन टाइम्स क्या होता है, फिफ्टी सिक्स, वो सही है, फिफ्टी सिक्स के नीचे हम लगा सकते हैं, तो एट सेवन टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, फिफ्टी सिक्स आ गया, तो हम यहाँ पे फिफ्टी सिक्स लगा लेते हैं। अब क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, ज़ीरो में से सिक्स माइनस नहीं होता, हमने बोरो लिया यहाँ से, तो जब बोरो लेंगे यहाँ से तो यहाँ रह जाएगा फाइव, और यहाँ पे इसने बोरो दिया तो ये टेन बन गया, तो टेन में से सिक्स को माइनस किया तो फोर आ गया हमारे पास, और यहाँ पे फाइव माइनस फाइव ज़ीरो। अगेन हम एक ज़ीरो अगर लें तो हमारा आगे सॉल्व हो जाएगा येस, तो हम एक ज़ीरो लास्ट ले लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा वो आ रहा है, मैं लगा के दिखा देती हूँ। ओके, ये मैंने स्ट्रेट लाइन इतनी लगी, लेकिन ये लाइन आपके पास सीधी जाएगी। इसको डार्क कर लें अगर नहीं पता चल रहा तो। ओके, ये हमने एरो इसलिए लगा दिया कि हमें पता चल जाए ये हमने ज़ीरो ऊपर से उतार लिया नीचे। और अब हमारे पास क्या हो गया, एट कितने टाइम्स 40 होता है, एट 5 टाइम्स क्या होता है, हमारे पास 40 होता है। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया यहाँ पे, और ये माइनस करवा दें तो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, और ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, समझ आया। और अब हम इसके ऊपर लिख लेंगे ये क्या है, वंस टेंथ हंड्रेड, और ये क्या है जो पॉइंट के बाद होता है, ये टेंथ, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड थाउजेंड, और आगे क्या आ जाता है के टेंथ हंड्रेड थाउजेंड, और ये हंड्रेड थाउजेंड, सॉरी टेंथ थाउजेंड, तो टी टी एच आ जाएगा। ओके, तो इस तरह ये आ गया, समझ आ गया। तो होप्स आपको चीज़ समझ आ गया होगा। मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं इसी टॉपिक पे, आप चेक कर सकते हैं। एक इसको सिंक को डिवाइड करवाया, एक इसको करवाया। ओके, तो थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपने सुनना है तो। उसमें ये है कि ये हमारे पास नंबर है, सेवन से डिवाइड करवाना है, तो हम सेवन वन टाइम वन डिजिट को नहीं सॉल्व करवा सकते, थ्री छोटा है, सेवन अगर हम लिखेंगे तो बड़ा आ जाएगा। इसलिए हमने टू डिजिट को सॉल्व करवाना है, सेवन फोर टाइम्स 28 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया। फिर हमारे पास क्या आ गया, सेवन फोर टाइम्स 28 माइनस करवाया तो 4 आ गया, ये 5 उतारा नीचे, सेवन सिक्स टाइम्स 42 आ गया माइनस करवाया 3, ये 5 उतार लिया नीचे, अब पॉइंट था तो पॉइंट ऊपर चला गया, और सेवन फाइव टाइम्स 35 हो गया और सॉल्व हो गया। इसी तरह इसको देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये क्वेश्चन है, और मैंने इसको टू मैथड से किया हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 9 वन टाइम हमारे पास 9 ही आ गया, माइनस करवाएंगे तो 0 आ गया, 5 उतारा 9 0 टाइम 0 आ गया। ओके, माइनस करवाया 5 आ गया। मैं बताती हूँ ये वाला ज़्यादा सही है, अगर इस ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये इजी है, आपने जो भी फॉलो करना है दोनों ही सही हैं। 6 उतार लेंगे नीचे, मैंने इसलिए दोनों से बता दिया कि अगर आपको इस तरह से ये समझ आ जाती है या इस तरह जो भी, तो आप उसको फॉलो कर लें। अच्छा, ये 5 माइनस करवाया, 5 आ गया, 6 को उतार लिए नीचे, अब 56 आ गया हमारे पास, तो 9 6 टाइम्स के आ गया 54, इनके बिटवीन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, और 9 6 टाइम्स 54 माइनस करवाया तो 2 आ गया, 7 उतारा नीचे, 9 3 टाइम्स 27 आ गया माइनस करवाया तो 0 आ गया। अब यहाँ पर ये देख लें, आंसर तो सेम ही है मैथड में, थोड़ा सा ये है कि ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर ये स्टेप हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। 9 वन टाइम 9 आ गया, माइनस करवाया तो 0 आता है, लगाना तो लगा लें, अदरवाइज़ क्या करेंगे आप, 5 उतारें नीचे तो 9 0 फिर अच्छा सॉरी मैंने ये किया कि 5 उतारा नीचे, अब 9 वन टाइम भी करते तो यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते थे, बिकॉज 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो फिर मैंने एक और डिजिट उतार लिया नीचे, इकट्ठे टू डिजिट्स को उतारा है। जब भी हम टू डिजिट्स को इकट्ठे नीचे उतारते हैं ना, स्टार्ट में नहीं बाद में, तो फिर हमारे पास क्या आता है, 0 जो है क्वेश्चन में चला जाता है, पता है आपको। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, 9 6 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास 54 आ गया, माइनस करवाया तो 2 आ गए, 7 उतारा नीचे, 9 3 टाइम्स 27 आ गया। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।